फलसू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमेड़ा में किसान के खेत में विस्फोटक फल की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जांच करने पर पता चला कि ये कोई बम नहीं था, बल्कि प्याज के छिलके में किसी ने विस्फोटक पदार्थ रख दिया था। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि क्षेत्र में फल बम है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। फलसू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमेड़ा में किसान के खेत में विस्फोटक फल की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जांच करने पर पता चला कि ये कोई फल नहीं था, बल्कि प्याज के छिलके में किसी ने विस्फोटक पदार्थ रख दिया था। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि क्षेत्र में फल बम है। छानबीन करने के पश्चात पाया गया कि ये कोई बम नहीं, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ भरकर प्याज के छिलकों में रखा गया। वहीं रेंजर अर्शद खान, वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़वानी ने बताया कि पेड़ से बम का मिलने का मामला सामने आया था, जो कि वास्तविकता में जाँच की गई तो ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला, लेकिन जो चार बम मिले थे उसे पुलिस के पास ले गए और उसकी जांच के लिए पानी में उसे भिगो कर देखा तो उस पर प्याज के छिलके थे। रस्सी बंधी हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि ये कोई फल बम नहीं। पुलिस कुल चार बम जब्त की है। आगे पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम अर्शद खान, वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़वानी। सर, आपके क्षेत्र में कोई जो एक वो पेड़ से कोई बम बम पर अफवाहें चले, सर वास्तविकता क्या है? सर, वास्तविकता ये है कि जैसे हमको सूचना मिली कि पेड़ से कोई बम टपक रहे हैं फल के द्वारा, हम मौके पे पहुँचे और हमने जांच की तो कोई इस प्रकार का हमारे को कोई पेड़ नहीं मिला कि जिसमें से फल टपक रहे हों और वो बम के रूप में। ये ज़रूर है कि वहाँ पे चार जो मिले हैं वहाँ पे बम, वो बम को जो पुलिस के पास ले गए उसको फोड़ के देखा तो वो विस्फोट हो रहा है उसमें, उसको पानी में भिगा के देखा उसके ऊपर प्याज के छिलके लगे हुए थे और रस्सी बंधी हुई थी, उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई फल नहीं है, वो किसी के द्वारा बनाए गए विस्फोटक है, कोई फल नहीं है। पूरी अफवाह है, पूरी अफवाह है ये कि कोई फल इस प्रकार का कोई जंगल में कोई फल नहीं होता। सर, आसपास कोई चेकिंग अभियान चलाओगे? सर, आसपास सवेरे से चेकिंग अभियान चल रहा है, आज भी और कल भी किया, इस प्रकार का कोई पेड़ नहीं मिला जिसमें ऐसे फल लगे हुए। जब्ती में तीन पुलिस द्वारा कल किए गए थे, एक आज हमको उस जगह पे छानबीन करी तो एक आज हमें भी मिला है। और आगे सर इसकी ओर से वो जांच वांच करोगे सर? इसकी जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है, फलसूत पुलिस द्वारा, क्योंकि ये कोई फल वाला जंगल का मामला नहीं है, ये विस्फोटक वाला मामला है, तो इसमें पुलिस इसकी जाँच करेगी।